नमस्कार। घरेलू डिश में एक नया रेसिपी लेकर आए हैं फ्रेंड। ये अलसी जो एथेराइटिस के लिए सबसे कारगर दवा है फ्रेंड। ये देखिए, ये अलसी जोड़ों के दर्द को ठीक करता है, एथेराइटिस भी ठीक करता है फ्रेंड। ये बहुत ही एथेराइटिस का कारगर दवा है। ऐसे भी आप सूखी कढ़ाई में ड्राई भूंज के रख दीजिएगा फ्रेंड, मिक्सी में पीस के, और एक चम्मच खाइएगा तो आपके जोड़ों का दर्द ठीक हो जाएगा फ्रेंड। और इसके लिए गुड़, देखिए फ्रेंड, गुड़ हम लिए हैं 100 ग्राम, और चावल का आटा 1/2 kg, सौंफ 1 बड़ा चम्मच ले लीजिएगा फ्रेंड, कुटा हुआ। थोड़ा सा इसको दरदरा कूट लेंगे फ्रेंड। और इलायची, कूटा हुआ इलायची फ्रेंड। ये इलायची का जो ऊपर वाला भाग है, आप इसको रख दीजिए, सब्जी में, चाय में यूज कर लीजिएगा फ्रेंड। और काली मिर्च फ्रेंड 1 चम्मच लेंगे, छोटा चम्मच। और सरसों तेल, जिसमें कोलेस्ट्रॉल नहीं होता है फ्रेंड। सभी कुछ इसमें बहुत फायदे वाले हैं फ्रेंड। देखिए फ्रेंड, कढ़ाई गर्म हो चुका है, अभी अलसी को डाल लेंगे। ये देखिए, अब अलसी मीडियम फ्लेम मीडियम करेंगे और अलसी को चलाएंगे। इस तरह भूंजेंगे फिर अच्छे से एकदम। इसको चलाते ही हुए ही भूंजेंगे फ्रेंड, एकदम सूखे कढ़ाई में, बिना तेल के कढ़ाई में फ्रेंड। देखिए फ्रेंड, एकदम चलाते हुए हम इसको फ्राई कर रहे हैं। एकदम इस तरह चलाते रहिएगा, छोड़िएगा नहीं, और फ्लेम हाई रखिएगा। ये तुरंत हो जाएगा फ्रेंड। देखिए फ्रेंड, जब थोड़ा सा पटपट का आवाज आए तो आप समझिएगा कि हमारा ये हो गया। ये देखिए, इसको चलाते रहिएगा। देखिए, जैसे बादाम क्रश होता है तो आवाज आता है, उस तरह इस अलसी में भी आवाज आता है फ्रेंड। ये देखिए, हम 5 मिनट इस तरह इसको फ्राई करेंगे फ्रेंड, चलाते हुए। इसको हम, ये देखिए कैसे हमारा उड़ने लगा फ्रेंड, एकदम देखिए पटपट का आवाज आने लगा इसको। देखिए, एक और ऐसे थोड़ा सा लेंगे, अगर दांतों में नहीं चिपक रहा है फ्रेंड, आप समझिएगा ये हमारा अलसी तैयार हो गया। अब इसको हम निकाल लेंगे फ्रेंड, और इसको ठंडा होने के बाद मिक्सी के जार में पीस लेंगे। ये बिल्कुल तैयार हो गया फ्रेंड। देखिए फ्रेंड, पानी बॉयल हो गया। अब इसको धीरे धीरे करके डाल दीजिए। ये देखिए, अब इसको हम चला लेंगे फ्रेंड, एकदम से सूखा नहीं होना चाहिए फ्रेंड। किसी कपड़े से अच्छे से पकड़िए और चारों तरफ से इसको एकदम मिक्स करके चलाइए। हमेशा सूखा चावल है, इसमें 1 से 1.5 लीटर पानी जरूर डालिएगा फ्रेंड। अब इसको फ्रेंड इस तरह करेंगे, सभी को एक जगह, और ढक के छोड़ देंगे। ये देखिए, गैस बंद कर देंगे और ढक के छोड़
छोड़ देंगे। एकदम अच्छे से ढकेंगे ताकि स्टीम से एकदम और पक जाए फ्रेंड। 20 से 25 मिनट ढक के छोड़ देंगे। देखिए फ्रेंड, अलसी को जार में डाल दिए। अब इसको हम पीस लेते। देखिए फ्रेंड, ये अलसी देखिए पीस गया। अब इसमें हम गुड़ को डाल लेंगे फ्रेंड। गुड़ डाल लेंगे, ये सौंफ जो क्रश किया हुआ था वो डाल लेंगे, इलायची डाल लेंगे, ये देखिए कुटी हुई इलायची डाल लेंगे, और थोड़ा सा गोलकी पाउडर, 1/2 चम्मच गोलकी पाउडर डालेंगे फ्रेंड। और ये गरम दूध 1/2 कटोरी। अब इसको हाथों से अच्छे से मिक्स करेंगे फ्रेंड, हाथ एकदम से मसलते हुए। दूध गरम ही डालिएगा फ्रेंड एकदम। इस तरह गुड़ को इसमें एकदम बारीक पीस मिक्स कर दीजिए फ्रेंड। ये देखिए ये मिक्सचर इतना अच्छा बनना चाहिए फ्रेंड ताकि कचौड़ी फटे नहीं हमारा। गुड़ को पहले थोड़ा हम कूट लेंगे फ्रेंड। ये देखिए अब हमारा ये तैयार हो गया फ्रेंड बिल्कुल। देखिए फ्रेंड ये आटा 25 मिनट बाद देखिए हो गया। अब इसको हम अच्छे से लगाएंगे फ्रेंड, जैसे आटा गूंथते हैं। ठंडे पानी में थोड़ा सा हाथ को डालेंगे और इस तरह गूंथते हुए एकदम मसल मसल के इसको लगाएंगे फ्रेंड, इतना अच्छे से एकदम स्मूथ। तब आपका कचौड़ी बहुत ही अच्छा होगा फ्रेंड। देखिए इस तरह, देखिए एकदम मसल के थोड़ा थोड़ा हल्का एक एक बूंद पानी ठंडा देंगे और चारों तरफ से इसको मस लेंगे फ्रेंड। जितना मसलिएगा उतना आटा आपका सॉफ्ट होगा फ्रेंड। और देखिए कितना स्मूथ आटा लगकर तैयार हो गया फ्रेंड। ये देखिए फ्रेंड हमारा आटा लग के तैयार हो गया। अब चलिए इसका बनाते हैं। देखिए फ्रेंड अब इसका देखिए एकदम छोटा छोटा लोई, देखिए इस तरह देखिए। और कच्चे आटे में कि चावल का ही आटा में डीप करेंगे फ्रेंड। और देखिए इस तरह कटोरी बनाएंगे फ्रेंड। ये दबाएंगे ये नहीं, नहीं तो फट जाएगा। और देखिए 1/2 चम्मच से थोड़ा सा ज्यादा डालेंगे फ्रेंड और इसको थोड़ा दबाएंगे। और इस तरह देखिए इसको इस तरह पलट के इसको इस तरह करेंगे फ्रेंड। सारे को इसी तरह करेंगे और हल्का दबा लेंगे फ्रेंड। इसी तरह देखिए फिर से एक बार देखिए फ्रेंड। देखिए एकदम गोली बना लेंगे। देखिए स्मूथ एकदम आटा इतना अच्छा सना फ्रेंड, एकदम स्मूथ हो रहा है। ये देखिए कटोरी बनाएंगे। कटोरी में 1/2 चम्मच से थोड़ा सा ज्यादा डालेंगे,
ज्यादा डालेंगे तो फट जाएगा फ्रेंड ये। अब हल्का सा इसको प्रेस करेंगे और देखिए इसको, ये देखिए, फिर इसको चिपका देंगे फ्रेंड, फिर डीप करेंगे आटे में, कच्चे आटे में, और इसको इस तरह प्रेस करेंगे फ्रेंड। ये देखिए बस इसी तरह सारे को बना लेंगे फ्रेंड। देखिए थोड़ा सा 2-3 बड़ा चम्मच हम इसमें सरसों तेल डालेंगे फ्रेंड, ये सरसों तेल में ही बहुत टेस्टी होता है फ्रेंड। और इसको रखेंगे, पेन गर्म हो गया है, ये देखिए इस तरह। देखिए फ्रेंड एक बार में हम 3-4 रखें, बीच बीच में ऐसे पलटते रहिए, बीच बीच में फ्रेंड थोड़ा थोड़ा हम और तेल डालते रहेंगे और पलटते जाएंगे, एक एक चम्मच। और देखिए अब ये लाल होने लगा, इस तरह पलटते रहेंगे। देखिए फ्रेंड हम बीच में 2 बार थोड़ा थोड़ा तेल देके, एक एक चम्मच, देखिए इसको एकदम से लाल किए। 10 से 12 मिनट इसको इस तरह पलटते हुए आप इसको तलिएगा फ्रेंड, एकदम 2 बूंद बिना तेल के समझिए। और सरसों के तेल कोलेस्ट्रॉल नहीं बढ़ाता है फ्रेंड, इसलिए ये बहुत ही फायदेमंद कचौड़ी है फ्रेंड। देखिए फ्रेंड अब ये हमारा कचौड़ी तैयार हो गया, अब एक एक करके हम इसको निकाल लेके सर्व करेंगे फ्रेंड। ये देखिए तेल में डीप फ्राई करने का भी जरूरत नहीं पड़ा फ्रेंड, और ये कचौड़ी बनकर तैयार हो गया फ्रेंड। जो भी आप तेल डाले हैं फ्रेंड ये पैन में बच जाता है फ्रेंड। देखिए फ्रेंड आप इसे चाकू से काटिए, ये देखिए कितना खास्ता कचौड़ी बना है फ्रेंड, ये देखिए एकदम से खास्ता फ्रेंड एक। और ये देखिए इतना दमदार कचौड़ी बनकर तैयार हो गया फ्रेंड। फ्रेंड ये रेसिपी आप लोगों को अच्छा लगा तो लाइक सब्सक्राइब शेयर जरूर कीजिए फ्रेंड, बेल आइकन प्रेस कीजिए। और अलसी अर्थराइटिस का दवा है फ्रेंड, प्लीज जिन्हें जोड़ों में दर्द है इसे जरूर यूज कीजिए। नमस्कार।